इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। थायरोपेस टैबलेट एल टायरोसिन लोहा जस्ता विटामिन B6 तांबा सेलेनियम विटामिन D3 और विटामिन B12 का एक समृद्ध संयोजन है। आहार संबंधी घटकों को थायरॉइड समारोह को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। थायराइड की सामान्य स्थिति थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और चयापचय के लिए जिम्मेदार कई सूक्ष्म पोषक तत्वों पर निर्भर करती है। सेलेनियम लोहा और विटामिन ए जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आयोडीन की कमी के साथ संयुक्त रूप से थायराइड समारोह को काफी प्रभावित कर सकती है। ये टैबलेट ऑटो इम्यून थायरॉयड डिजीज यानी कि AITD में एक इम्यून मॉड्यूलेटर के रूप में काम करती है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। 1. एल टायरोसिन अंततः T4 और T3 बनाने के लिए आयोडीन से गुजरता है। एल टायरोसिन को फेनिलकेटोनूरिया में और नींद की कमी के बाद सतर्कता में सुधार के लिए भी संकेत दिया जाता है। 2. आयोडाइड थायराइड हार्मोन का एक प्रमुख घटक है और सबूत बताते हैं कि कम आयोडीन सीरम कुल थायरोक्सिन और मुक्त थायरोक्सिन के स्तर को कम कर सकता है। 3. अकेले सेलेनियम के साथ अनुपूरण के परिणामस्वरूप T4 से T3 के परिधीय रूपांतरण में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप आयोडीन की हानि में वृद्धि होती है और T4 में और गिरावट आती है। 4. आयरन की कमी से थायराइड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। मध्यम से गंभीर लोहे की कमी वाले अनीमिया वाले विषयों में T4 और T3 के स्तर में उल्लेखनीय रूप से कमी दर्ज की गई है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें।